Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. आसाम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का गेटवे। पार्टीशन के वक्त एक ऐसा समय आया जब आसाम को ऑलमोस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था, पर उस वक्त हमारे आज के भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई चट्टान की तरह अंग्रेजों की विभाजन नीति और आसाम के लोगों के बीच आ खड़े हुए। कैसे, आइए देखते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई आसाम के वो नेता जिन्होंने आजाद भारत के नक्शे पर आसाम को संजोए रखा। सन 1921 में जब कांग्रेस ने पहली बार आसाम में कदम रखा तो गोपीनाथ जी 31 साल के थे। लाला लाजपत राय की दी हुई स्पीच से प्रभावित होकर बोरदोलोई जी ने कांग्रेस एक वॉलेंटियर के रूप में ज्वाइन कर ली। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सर जादूनाथ सरकार, रविंद्रनाथ टैगोर और जेसी बोस जैसे बड़ी शख्सियतों की विचारधारा से बोरदोलोई जी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी अपनी पढ़ाई बंगाल से की और कांग्रेस के एक पक्के कार्यकर्ता के रूप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आसाम की जनता का नेतृत्व किया। पर चौरे चौरा हादसे के बाद मूवमेंट रुक गई और बोरदोलोई जी 3 साल के लिए पॉलिटिक्स से दूर होकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। फिर साल आया 1935 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, जिसके तहत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अब इलेक्शन लड़ सकती थीं। पर अंग्रेज यहां भी डिवाइड एंड रूल का खेल खेलने से नहीं चूके और देश भर में उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस विभाजन नीति की काली परछाई आसाम पर भी पड़ी। बोरदोलोई 1936 के पहले आसाम इलेक्शन में खड़े तो हुए और भारी बहुमत से सीटें भी ज्यादा जीती, मगर एक कॉन्स्पिरेसी की वजह से वो सरकार नहीं बना पाए और अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग के मोहम्मद सदुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। हालांकि जल्द ही मुस्लिम लीग की सरकार के सामने बोरदोलोई जी का कद बहुत ऊंचा हो गया। मुस्लिम लीग की सरकार आम जनता की समस्याओं से काफी दूर थी और बोरदोलोई जी जनता के साथ थे। मुस्लिम लीग की सरकार बहुत जल्दी गिर गई और 21 सितंबर 1938 को गोपीनाथ बोरदोलोई जी पहली बार आसाम के सीएम बने और भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस की मुहिम में ये एक बहुत बड़ी कड़ी थी। पर फिर सन 1939 में जब बोरदोलोई जी के आदर्श महात्मा गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को भेजे जाने के विरुद्ध आवाज उठाई तो बोरदोलोई जी ने भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन राजनीतिक कुनीतियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों को मदद करने का वादा कर सदुल्ला वापस मुख्यमंत्री बन गए और बोरदोलोई जी को जेल में डलवा दिया गया। बोरदोलोई जी के जेल में रहने के दौरान मुस्लिम लीग और मोहम्मद सदुल्ला एक साजिश रचने में लगे हुए थे। बंगाल बॉर्डर से वो पाकिस्तान के समर्थकों को आसाम में लाना शुरू कर चुके थे। अंग्रेजों की मदद से वो आसाम को ईस्ट बंगाल के उस हिस्से से जोड़ने में लगे हुए थे जो पाकिस्तान को दिया जाने वाला था। इस दौरान बोरदोलोई जी को मुस्लिम लीग और मोहम्मद सदुल्ला के इरादों और नीतियों की भनक लग चुकी थी और साल 1944 में जेल से छूटते ही वो तुरंत एक्शन में आए और आसाम को बंगाल से अलग अपनी पहचान देने के लिए देश के नेताओं को जोड़ना शुरू कर दिया। 1946 के चुनाव में जीत दर्ज कर एक मजबूत कैबिनेट की स्थापना की। उस वक्त अंग्रेजों ने इंडिया को मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच बांटने के लिए एक कमीशन बनाई थी जिसमें ए बी सी नाम की 3 कैटेगरीज थीं। इसमें आसाम को बंगाल के साथ सी कैटेगरी में रखा गया था। गोपीनाथ जी इसका मतलब समझते थे और वो तुरंत कमीशन के आगे जा खड़े हुए। कमीशन ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। जिन्ना भी इस समय तक आसाम की इम्पोर्टेंस समझ गया था और वो गुवाहाटी आ पहुंचा।
बोर्दोलोई जी ने उस वक्त मोहम्मद सदुल्ला के द्वारा बाहर से लाए गए पाकिस्तानी समर्थकों को आसाम से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। जिन्ना ने गुवाहाटी की एक स्पीच में बोर्दोलोई जी को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन बोर्दोलोई जी कहां डरने वाले थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए ये सुनिश्चित किया कि जिन्ना और सदुल्ला जैसी ताकतें आसाम को दंगों में ना धकेल पाए। 1947 में माउंटबेटन ने वॉइसरॉय की कुर्सी संभाली और ग्रुपिंग सिस्टम को खारिज कर परमानेंट पार्टीशन का प्रस्ताव सामने रखा। जिन्हा तब भी आसाम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की हुंकार भर रहा था, लेकिन बोर्दोलोई जी ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, जिन्ना भले ही एक बार के लिए चांद को जमीन पर लाने का सपना देख ले, लेकिन वो आसाम को भारत से अलग कर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना पाएगा। एक तरह से बोर्दोलोई जी ने सिर्फ अपने दम और पॉलिटिकल काबिलियत के दम पर पूरी मुस्लिम लीग को धूल चटाई और आसाम को भारत का एक अहम हिस्सा बना दिया। उनके इस पराक्रम को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया और बोर्दोलोई जी भारत के लोगों के हीरो की तरह आज इतिहास के पन्नों को शोभित कर रहे हैं।